लेंगे नहीं, उसको हटा ही दिया गया, बस तीन ही बुल रह गए। बुल्स एग्रेसिव हो रहे हैं, भाग रहे हैं भाई, उसने अटैक ही कर दिया पर वो देखो भाई साहब, भाई साहब कितनी तेज मार रहा है, देखो दो भाई पानी का बहाव देखो बहुत तेज है भाई, और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे एक्सपर्ट हो गए भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई, ये दूल्हा जो है ना सज रहा है भाई इधर हमें ट्राइब का। हेलो गाइस, एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो यार आज हम जो है ना यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं। यहाँ की एक ट्राइब है इथियोपिया की, जिसको कहते हैं हमर ट्राइब। वो इथियोपिया के साउथ वेस्ट पार्ट में दो विलेजेस है, दिमाका और टुरमी, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। आज वहाँ पे बहुत ही एक अच्छी बुल जंपिंग सेरेमनी है, उसको हम लोग देखने जाएंगे, और वो एक मैरिज सेरेमनी है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जो मैं आपको बताऊंगा। और अभी हम लोग रास्ते में ना इस बाइक से आ रहे थे, ये देखो भाई ये लोग मिले हमें, ये है ना बन्ना ट्राइब के बच्चे हैं। ये देखो बाइक के ऊपर से निकल जा रहा है, ये देखो कितनी लंबी लंबी स्टिक्स पे ये लोग चल रहे हैं भाई। ये देखो ये बच्चे भाई एक्सपर्ट हो चुके हैं पूरे, गजब देखो। और ये ना इधर ही खड़े रहते हैं यार ये लोग, इन्होंने देखो अपनी बॉडी पे मिट्टी मिट्टी लगा लेते हैं, पेंट वगैरह, और इस तरीके से देखो स्टिकों पे चलते हैं। अरे ये देखो बच्चे को भाई, हाँ दे अंडरस्टैंड अमेरिक, हाँ ओके ओके, हाउ ओल्ड आर दे? इन बच्चों को ना इंग्लिश के दो चार वर्ड सिखा दिए गए हैं। ये जो बन्ना ट्राइब के लोग हैं, ये एक ही जगह पे नहीं रहते, ये नोमैडिक टाइप की ट्राइब है। ये क्या करते हैं, ये बकरी बकरी चराते हैं, तो जहाँ पे घास ज्यादा होती है ना वहाँ पे ये लोग चले जाते हैं सीजन के हिसाब से। ओह माय गॉड, वाओ, देखो ओह माय गॉड जीसस क्राइस्ट, ये देखो यार, ये देखो छोटे छोटे बच्चे एक्सपर्ट हो गए भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई साहब, Oh my God! Oh my God! मैं मुंह पे लग जाएगा। What is the name? Name? My name is Matya Mukulo. Your? My name is Abush Mukulo. Your? My name is Ormi. ये देखो. My name is Vishal. Yes. Vishal. Yes. विशाल, विशाल। अभी जो हम ट्राइब घूमने जा रहे हैं ना, हमें ट्राइब जिसकी सेरेमनी हम लोग घूमने जा रहे हैं, पहले ये बन्ना ट्राइब और हमें ट्राइब एक ही ट्राइब हुआ करती थी। इनका कुछ डिस्प्यूट हुआ लैंड का, उसकी वजह से ये अलग अलग ट्राइब बन गए। और सबसे अच्छी चीज है कि ये मौसम भी बहुत बढ़िया है, रात भर जो है ना बारिश हुई, उसकी वजह से ना ग्रीनरी बहुत ज्यादा है इधर। अब हम पहुंच गए हैं जहाँ से ना भाई सेरेमनी स्टार्ट होगी। हमें ट्राइब की ये सेरेमनी है, और ये शादी करने के लिए ना सेरेमनी होती है। जितने भी जो यंग लड़के होते हैं ना, उनको शादी करने से पहले इस सेरेमनी के थ्रू गुजरना पड़ता है। 5 से 7 बैल जो है ना आपस में लाइन अप कर देते हैं, हर एक बंदे को 4 बार उन बैलों से के ऊपर से गुजर के जाना होता है, और अगर वो 4 बार लगातार सक्सेसफुल हो जाता है ना, तब उसको परमिशन मिलती है कि वो शादी कर ले। ठीक है, हमारे ट्राइब की जो कैपिटल सिटी है ना दिमाका, अभी हम लोग वहाँ पहुंच चुके हैं, ये सेरेमनी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। अब कैसे कैसे होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनके यहाँ पे जब तक बाप परमिशन नहीं देता ना, तब तक आप इस सेरेमनी में मतलब कोई यंग लड़का पार्ट भी नहीं ले सकता। यहाँ पे वुमेन है ना, वो अपने आप को विप करवाना चाहती है हंटर से, तो अपने आप को मतलब अपने कोड़े लगवाती हैं। इनकी जो फिलॉसफी है उसके पीछे ये है कि अगर जैसे वुमेन अपने ऊपर कोड़े लगवाती है ना, तो वो ये दिखाता है कि वुमेन कितनी ज़्यादा फेथफुल रहेगी, कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने हस्बैंड के लिए। और हस्बैंड की साइड से ये माना जाता है कि हस्बैंड ने अगर उसको मतलब कोड़े वोड़े मारे हैं, तो उसके शरीर पर जो निशान है वो हमेशा रहेंगे। जब भी कोई दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी, तो हस्बैंड को हमेशा याद आएगा कि इस औरत ने मेरे लिए कोड़े खाए थे। तो एक तरीके से एक यूनिक जो है ना एक्सप्रेशन है भाई लव का, जो ये ट्राइबल लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये जो भाई है ये जंप करने वाला है यहाँ पे, आज इस सेरेमनी में पार्ट ले रहा है शादी करने से पहले। अभी ये जंप करेगा थोड़ी देर में, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तब इसको शादी की परमिशन मिलेगी। ये सारी वुमेन सेलिब्रेट कर रही है, इस बंदे की फैमिली की है। यहाँ पे पहले डांसिंग चल रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है, उसके बाद जो है ना बुल जंपिंग स्टार्ट होगी। इनके जो बाल हैं आप देख सकते हो, एक अलग टाइप के बाल हैं इनके, यही जो है ना इनकी पहचान है एक तरीके से। तो ये अपने बालों में क्या करते हैं, बटर और एक तरीके की वो होती है मिट्टी, उनको मिला के लगाते हैं, जो इनके बाल है ना इस तरीके के हो जाते हैं रेडिश टाइप के। तो वो सेलिब्रेशन के लिए ये वाला जो है ना ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तुम्बा। तो भाई ये जो उनके पैरों में बंधे हुए ना घूंगे, इसको वारा वारा कहते हैं। ये एक हफ्ते पहले के करीब जो लोग इस बुल जंपिंग सेरेमनी में पास हो गए थे ना, वो यहाँ पे अभी जो है ना कोड़े मारेंगे लड़कियों को। लड़कियाँ भाई कोड़े लगवाने के लिए ना पीछे भागेंगी उनके। और देखो भाई उधर शराब पिलाई जा रही है भाई, देखो देखो सब लोग शराब पी रहे हैं। इस टाइप की संटी है भाई, इतनी पतली संटी लाए हैं और इससे मारेंगे भाई। यहाँ पे देखो, ये देखो वुमेन जो है ये उछल रही है, ये देखो वेपो भाई साहब क्या संटी मारी है इसने भाई। और देखो उस संटी,
और यहाँ पे देखो संटे मारना स्टार्ट हो गया है भाई साहब, भाई साहब ये देखो यार कितनी तेज यार मारी है इधर इन्होंने। और ये वुमेन ना उछल रही है यार अपने आप को जो है ना विप करवाने के लिए। ये विपिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है भाई। और ये ना ये दिखाना चाहती है वुमेन कि भाई हमें ना तुम कितना भी मारोगे हमें असर नहीं पड़ेगा, मतलब अपनी ज़िंदगी में जैसे कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी ना वो आराम से सह लेंगी। वो देखो ओ भाई साहब कितनी तेज मारा है, देखो दो 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 लड़कियाँ उसके पीछे पड़ गई हैं भाई। ये देखो उछल रही है देखो विप करवाने के लिए, इन्होंने ना अभी शराब पी है और दर्द को वो करने के लिए। ये देखो कि नेक पे आप देख सकते हो ये बुलेट टाइप का है, इसका मतलब ये है कि ये अपने हस्बैंड की पहली वाइफ है। ये जो काले वाले बाल है ना इसका मतलब ये है कि इसकी जो है ना शादी नहीं हुई, और इस टाइप के जो बाल है इसका मतलब है कि ये शादीशुदा है। जिनके बाल लाल है वो भी विप करवा रहे हैं, वो इसलिए करवा रही है क्योंकि वो बस सेलिब्रेशन में खुश है। अनमैरिड वुमेन विपिंग कराएंगी वो हस्बैंड के लिए कराएंगी। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये एक ओल्ड वुमेन है इन्होंने ना ये देखो ये बकरे की स्किन की ना ये स्कर्ट पहन रखी है। तो अब क्या है कि पहले जो पुरानी औरतें हैं ना ज़्यादातर आपको इस तरीके के बकरे के स्कर्ट में दिखेंगी, और जो अब नए टाइप के जो क्लोथ्स है ना वो ये नॉर्मल क्लोथ्स भी पहनने लगे हैं नीचे की साइड। ये जो स्टोन है इससे वाइट कलर का निकल रहा है और उससे जो है ना रेड कलर निकल रहा है पेंटिंग के लिए, उसे चेहरे पर पेंट कर रहे हैं। देखो ये दूल्हा जो है ना सज रहा है भाई, इधर हमारे ट्राइब का दूल्हा सज रहा है, इधर वुमेन सेलिब्रेट कर रही है। ये देखो मेरे साथ ये है मादा, इसकी अभी देखो इसके चेहरे पे पेंट हुआ है रेड कलर से और वाइट कलर से। ये 5 बुल जो है ना अभी इसको नदी के पार ले जाएंगे उधर से, और उसके बाद बुल जंपिंग सेरेमनी स्टार्ट होगी। ये जो सेरेमनी है अक्टूबर और नवंबर में होती है, और इन बुल्स के ऊपर भी ना ये लोग गोबर वगैरह लगा देंगे थोड़ा सा चिकना करने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए। लड़के हैं उनके शरीर पे जो है पहले तो सैंड लगाई जाएगी। सैंड का लगाने का मतलब ये कहते हैं कि जो सैंड लगाने से जो यंग लड़कों के जो पाप है ना वो धुल जाते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर गोबर वगैरह लगाया जाता है गाय का, उसे मानते हैं लोग कि इससे स्ट्रेंथ मिलती है। और जो ये हमें ट्राइब है ना इनका मेन काम जो है एक तो फार्मिंग है, वो कैटल वगैरह रखते हैं, इसके अलावा कुछ फसल वगैरह भी उगाते हैं। और दूसरा जो हमें ट्राइब की स्पेशल बात है ये लोग हनी वगैरह भी बनाते हैं, हनी प्रोड्यूस करते हैं। बुल जंपिंग सेरेमनी है भाई स्टार्ट होने वाली है, आप देख सकते हो सामने बुल जो है ना पार होने लगे हैं। अब हम जो है ना रिवर को पार कर रहे हैं, ये देखो यार रिवर पार कर रहे हैं, रिवर के इस साइड जा रहे हैं। इट्स ओके नो प्रॉब्लम, एक्सक्यूज मी। बहाव जो है ना तेज है थोड़ा सा बीच में भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा बहाव है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आदत नहीं है ना, इन लोगों को आदत है ऐसे चलने की। अब जो है भाई पानी जो है ना फिर से आने लगा, बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरे को अपने कैमरे से ना माइक वाइक भी हटाने पड़ गए क्योंकि पानी की वजह से माइक ख़राब हो सकता है। तो यार अब हम रिवर पार करके ना आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और बारिश आने लगी है, और आसपास कितना ग्रीन है, सब कुछ एक जंगल टाइप का है इधर भी। हाउ आर यू? गुड। अब भाई दोबारा से ना खतरनाक बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे जो है ना जंपिंग सेरेमनी होनी है, आप देख सकते हो सामने बुल्स वगैरह आ चुके हैं और उसके पीछे जो वुमेन है ना सेलिब्रेट कर रही हैं। ये बुल जंपिंग सेरेमनी ऑलरेडी काफ़ी हार्ड होती है क्योंकि इन बुल्स के ऊपर ना कुछ ये चिकना चिकना सा कुछ लगाते हैं गोबर वगैरह ताकि लोग फिसलें उससे, और आज बारिश में जंप करना है इन्हें भाई। गुड लक टू देम, पता नहीं क्या होने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हो चारों तरफ पानी भर गया है और कुछ नहीं है भाई, एकदम लाइक आर मिडिल ऑफ नो वेयर में हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। यार देखो ये सारे बुल्स खड़े हुए हैं, अभी इसके ऊपर जो है ना वहाँ से अभी जो दूल्हे वगैरह हैं आएंगे और इन बुल्स के ऊपर से जंप करेंगे। ऑलरेडी मैं पूरा भीग चुका था बारिश में, फिर थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी तो सूख गया, और उसके बाद दोबारा जो बारिश है आ चुकी है। और जो मौसम देख के ऊपर ऐसा लग रहा है बादल वगैरह की ये जो बारिश है ना आज पूरे दिन रहने वाली है इधर। अब देखो यहाँ पे सेरेमनी चल रही है दूल्हे की, मैं अकेला यहाँ पे बाहर का बंदा खड़ा हुआ हूँ भाई, सब मेरे को ही देख रहे हैं। ये देखो यार जो बंदा जंप करने वाला होता है ना उसके आधे बाल काट दिए जाते हैं इस तरीके से, जैसे इनके कटे हैं ना, और जब वो जीत जाएगा मतलब पाँचों बुल के ऊपर से कम 4 बार वो सक्सेसफुली पार हो जाएगा, तब ये बाल जो है ना वो पूरे काट दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना जो दूल्हा है वो तैयार हो जा रहा है, मैं आपको और तैयारी दिखाता हूँ कि कैसे तैयारी चल रही है इधर। तो मेरे पास कुछ यहाँ पे लोकल है इनके हमारे ट्राइब के बंदे थे, लेकिन बारिश की वजह से वो लोग रह गए हैं, तो मेरे को अभी थोड़ा सा ना सेरेमनी में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। बारिश आ रही है तो भाई इन्होंने सर पे कपड़ा ओढ़ के सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं यार डेडिकेशन देखो, वहाँ से देखो बुल्स लेके आ रहे हैं ये लोग, ये 5-5 बुल्स आ रहे हैं भाई यहाँ पे, इनके तो बड़े स्ट्रीम भी बड़े बड़े से हैं। ये जो बुल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं ना बुल जंपिंग सेरेमनी में, इनके टेस्टिकल्स निकाल लेते हैं, अब इसका रीज़न नहीं पता मुझे कि क्यों निकालते हैं। ये तीनों जो है ना ये अटेम्प्ट करने वाले हैं ये बुल्स को खड़ा करके,
और उसके उसका चक्कर मार रहे हैं सब लोग। और इधर ये जो ट्रेडिशनल सॉन्ग गा रहे हैं, ये देखो स्टिक को हिलाते हुए, ये देखो भाई सींग पकड़ पकड़ के बुल को खींच रहे हैं यार। मानना पड़ेगा यार, बड़े दमदार लोग हैं। ये देखो कैसे बुल को लाइन अप करने के लिए ना किस तरीके से ये लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं चीज़ें। ये देखो बुल सारे लाइन अप हो जाएंगे, उसके बाद जंप स्टार्ट होगी भाई यहाँ पे। भाई नेक्स्ट लेवल माहौल है भाई। और ये देखो दो बुल जो है ना लग गए लाइन से, अब जो है तीन बुल लग गए लाइन से। अभी देखो ये देखो बुल्स जो है ना वो थोड़ा सा भाई मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश हो रही है और इस तरीके से जो है उन्हें लाइनअप किया जा रहा है जबरदस्ती बुल जंपिंग के लिए। तो ये देखो चौथा बुल आ गया, चौथा बुल लेके आए हैं तो भाई अटैक करने रहे हैं भाई। बुल एग्रेसिव हो जा रहे हैं, गुड गुड। बुल ये देखो थोड़े से एग्रेसिव हो रहा है ये वाला बुल। ये कुछ देखो लड़की से कुछ सेरेमनी टाइप हो रही है, छोटी बच्ची से ना ये बुल के कान में कड़ा पहना रहे हैं। देखो बुल के कान में कड़ा पहनाया जा रहा है यहाँ। ये देखो यार, यार बुल्स के सींग भी बड़े बड़े से हैं भाई, अगर एग्रेसिव हो गए मार दिया ना तो बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है भाई यहाँ पे, अगर कोई भी यहाँ पे भाग के मेरी साइड आ गया तो। बुल जो कंट्रोल नहीं आ रहे यार, आज मौसम भी ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उस चक्कर में। ओ भाई ओ बुल जंपिंग भाई, यहाँ पे जंपिंग भी स्टार्ट हो चुकी है केवल तीन बुल के साथ। बुल भी कंट्रोल नहीं आ रहे यार, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बुल भी कंट्रोल नहीं आ रहे हैं। पर सब हंस रहे हैं यहाँ पे यार, सब हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बंदा बेचारा, इसके लिए स्ट्रगल है, इतनी बारिश हो रही है और पूरा एकदम, ये भी देख रहे हो इतना फिसल रहा है, इसके पैर भी कितना फिसलेगा, ऊपर से बुल भी कंट्रोल नहीं हो रहे मौसम की वजह से, बारिश में खड़े नहीं रहना चाह रहे। अब देखो और भी ज़्यादा बुल्स लगा रहे हैं इधर यार, अभी समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या हो रहा है। सब लोग ना बुल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल दो ही बुल लगे हैं ना इधर, तो अभी तीन बुल और लगाए जाएंगे। एक बुल था वो भाग गया भाई, ये देखो किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है बुल्स को भाई, मतलब क्या बोलूँ आपको यार। तो, बट ये भाई इनके सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन है जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं यार। इसमें अब मैं जज तो नहीं करूँगा कि जो भी हो रहा है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अलग चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे चार बुल आ चुके हैं और उससे कह रहे हैं जंप अटेम्प्ट करने को। ये देखो गया, ये देखो ओ दो, ये इसने पकड़ लिया पार, कर लिया पार। अब इसको ना कम से कम चार बार पार करना पड़ेगा राउंड, ये दूसरा अटेम्प्ट। अब ये वहाँ से भी पार करेगा दूसरी साइड से भी। अब देखो अब यहाँ से भाग के आएगा और फिर दोबारा से जंप लगाएगा। ये देखो ओ दो बार कर दिया इसने, ये इसकी अभी तक तो एक ट्रिप हो गई है भाई इसकी, एक जो राउंड ट्रिप हो गई है। अब ये दोबारा भाग के आएगा, देखो दोबारा दौड़ के आया, ये देखो दोबारा ओ कर लिया, तीन बार कर लिया। यहाँ पे केवल चार बुल लगाए गए हैं, कंट्रोल करने की जबरदस्त कोशिश है भाई इधर। ये देखो दो ट्रिप इसकी पूरी हो गई भाई बंदे की, और इधर म्यूजिक भी चल रहा है, इधर देखो विपिंग के लिए ये लोग उछल रही हैं औरतें, यहाँ पे एकदम मस्त माहौल हो गया भाई, बारिश को भी इंजॉय किया जा रहा है। और ये देखो तीसरा अटेम्प्ट, ओ भाई साहब तीसरा अटेम्प्ट भाई, ये ट्राई कर रहा है बंदा, दो बार पार हो चुका है, अब ये तीसरी बार पार होगा यहाँ से। देखो ये देखो दौड़ के आया, ओह ये अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि यार इसमें बुल ना पीछे आ गया भाई। ये देखो आया बंदा फिर आया, अरे फिर वापस आ गया भाई। इसकी भी थोड़ी सी कम गलती है क्योंकि बुल्स भी देखो पकड़ने जा रहे हैं, और देखो पूछ जो है ना वो पीछे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लोग बुल्स को ज़्यादा। अब इस बुल को लग रहा है छोड़ दिया गया, कब कोई दूसरा बुल जो है ना ये शायद पकड़ के लेंगे। नहीं उसको हटा ही दिया गया, बस तीन ही बुल रह गए भाई साहब। बुल एग्रेसिव हो गया भाई, बुल्स एग्रेसिव हो गए, सारे भाग गए बुल्स, बुल्स एग्रेसिव हो रहे हैं, भाग रहे हैं भाई, उसने अटैक ही कर दिया, पता नहीं सब देखो कहाँ भाग गए बुल। वो देखो भाई, ओ भाई साहब वहाँ भाग गए बुल, सारे भाग गए भाई साहब, खतरनाक जो है ना यहाँ पे माहौल चल रहा है। बस एक ही बुल बचा हुआ है बेचारा, अब इस बुल भी इतना कमजोर जानवर होता नहीं है संभालने के लिए, और ऊपर से भाई एकदम एग्रेसिव हो गया था वो, और भाई हम भी भाग गए और ये लोग भी भाग गए जिन्होंने पकड़ रखे थे। तो यार यहाँ तो अब बड़ा ध्यान से खड़ा रहना पड़ेगा भाई, पता नहीं लग रहा कब यहाँ पे मिट्टी में फिसल गया भाई भागने के चक्कर में, और बुल ने भाई पता चला हमारे कोई सीन आ गया। अगर ये मौसम सही होता ना तो आपको 150-200 लोग मिलते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, लेकिन आज जो है मौसम इतना ख़राब है, बारिश हो रही है, इस चक्कर में बहुत कम लोग हैं। अब देखो एक और अटेम्प्ट, ओ कर लिया बंदे ने, कर लिया, बहुत बढ़िया यार। वो क्या हो गया जूतों का, पूरा ना मिट्टी के अंदर घुस जाता है मेरा पैर। फिर कुछ सेरेमनी टाइप की हो रही है, और कुछ उधर फेंक दिया, और भाई
करे। ओ पलकों में से बाल निकाल दिया, पलकों के बाल काट के वहाँ फेंक दिया। अब इसने देखो कोई कपड़े पहन लेगा क्योंकि ये जो है सक्सेसफुल हो चुका है। ये देखो यार, ये हनी की शराब है, ये लोग पीते हैं। थैंक यू। ये कहते हैं भाई कि ये ट्राई करो, ये देखो इस तरीके से हनी की शराब पी रहे हैं ये लोग। ये कुछ लास्ट रिचुअल चल रहे हैं भाई इधर। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे ना ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, वो भी मौसम ने तो मैं कहूँगा कि एड ऑन कर दिया। मतलब थिंकिंग सबकी डिफरेंट होती है, यहाँ पे धूप होती तो पता नहीं और भी लोग होते, कुछ भी होते, लेकिन बारिश ने ना बहुत ही फनी कर दिया इस सेरेमनी को, और तो बेहतरीन माहौल था यार, मज़ा आ गया भाई कसम से। ए बी भाई, दिस वाज योर फर्स्ट टाइम इन रेन? या इन द रेन इज माय फर्स्ट टाइम। हाउ वाज इट? इट्स वेरी गुड, द जंपर इज वेरी नाइस बॉय, आई लाइक हिम। You like him? Yeah, he's good jumper. Good jumper, yeah. Because of in the rain. हाँ, it very difficult, yeah. हाँ भाई वही है कि बारिश में ना इतना ज़्यादा difficult है jump करना। देखो ये सारे आगे जो है ना केवल परिवार के लोग हैं, अब हम वापस जा रहे हैं नदी को पार करके। भाई पानी का बहाव देखो बहुत तेज है भाई, और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो भाई ये थी बुल जंपिंग सेरेमनी हमें ट्राई की, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी। आई होप आपको भी ये एक्सपीरियंस जो है ना बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको ने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को वेट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड गुड बाय।